शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। लगाता है या नहीं लगाता है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर
अगर साइलेंट मोड के अंदर रहा है उसके पीछे कई कारण भी देखने को आए थे और ये कारण सभी को पता है। और इंडिया ने यहाँ पर जो चुप्पी साधी रखी है उसका आगे क्या इम्पैक्ट निकल करके आएगा, क्योंकि यूएस के अंदर में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ में थोड़ा सा रिलेशंस के बीच में भी हम बदलाव देख रहे हैं। जिस तरीके के बदलाव हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच के अंदर में दिखाई दे रहे हैं, क्या एनीवेज इसके ऊपर पे हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अजय जी, सैंक्शन से स्टार्ट करता हूं। यूएस अगर मान लीजिए कि हिंदुस्तान के ऊपर पे इस कारण से सैंक्शंस लगाता है कि हिंदुस्तान की जो भूमिका है यूक्रेन रशिया के बीच में वो साइलेंट रही है, तो जैसा कि आपने कहा कि रिक्स के अंदर में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है तो वहां पे मेजर जो प्रोपोर्शन है वहां पे ग्वार गम की जो डिमांड रहती है उसकी जगह क्या वो कोई दूसरा टूल यूज करेंगे, ग्वार गम का कोई सब्स्टिट्यूट देखेंगे? देखिए, ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम भी बात किया थी कि पहला चीज आप ये समझे कि जैसे हम पेट्रोल इंजन बोलते हैं या डीजल इंजन बोलते हैं वैसा ही कॉन्सेप्ट है उधर, जहाँ पे हम बोलते हैं स्लिक वाटर बोलो या फिर हम बोल सकते हैं FR जिसको बोला जाता okay. है। ज्यादा टेक्निकल okay. उसमें मैं इतना नहीं जितना मैं समझा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने ज्यादा करके देखा है कि जब भी भाव में बड़ा जंप या बड़ा फ्लक्चुएशन आता है तो प्रायोरिटी ये हो जाती है इंडस्ट्री की कि हम जो भी एडिटिव यूज हो रहा है इसकी प्राइजेस को हम लोग एक कंट्रोल रखें। तो जो केमिकल फॉर्म में वाटर जो स्लिक वाटर आता है इसके ऊपर शिफ्टिंग हमने पहले भी देखी, जो 2013 की हम बात कर रहे हैं रेफरेंस में, तो अचानक से ग्वार गम के भाव में जब तेजी आई थी उसके बाद नए सॉल्यूशंस की तरफ भागा गया है। बिकॉज आप ये देखिए, ये काफी छोटा कॉस्ट होना चाहिए ग्वार गम का ओवरऑल एक्टिविटीज के अंदर। अगर ग्वार गम के भाव में इतना फ्लक्चुएशन देखे, 15 मार्च 2021 को हम अगर देखते हैं तो भाव में करीबन समझो 5,500-6,000 का भाव था और अब हम देख रहे हैं मोटा मोटी 12,000 का, डबल तो पहले ही हो चुका है। बट नो डाउट अभी $110 पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है और साथ में रुपए में जो गिरावट है, बट इससे ज्यादा अगर फर्क आता है तो जनरली हम लोग ये शिफ्टिंग देखते भी है, क्योंकि केमिकल प्रोसेस में इसका एक रेट फिक्स हो जाता है। एक सीधा साधा एग्जांपल हमने मेंथा का भी देखा था, जहां पे केमिकल या सिंथेटिक मेंथा में डिमांड शिफ्ट हो गई थी। तो सिमिलरली ग्वार के लिए भी हमने 2013 से लेकर 2019 तक का ये पीरियड वैसा ही बनते हुए देखा है। सेकेंडली, जो आप बता रहे कि सैंक्शंस इंडिया पर लगा सकता है, एज ऑफ नाउ मुझे लगता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इंडिया एक डोमिनेटिंग स्टेज पे आ चुका है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट सभी कंट्री चाहती है कि इंडिया में हम हमारे प्रोडक्ट बेचे, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन साइज है वो इतनी बड़ी है कि कोई भी प्रोडक्ट को आराम से कंज्यूम कर सकती है। तो राइट नाउ इंडिया इज इन डिक्टेशन स्टेज, तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा कोई स्टेप लिया जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली काफी प्रोडक्ट्स को एक तो हम यूथ का जो सिनेरियो बना हुआ है, आप 100 साल का डेटा उठा के देखिए, जब भी क्रूड में इतनी बड़ी तेजी आती है तो कहीं ना कहीं रिसेशन का खतरा बनता है। इनफैक्ट आज सुबह से मैं काफी डेटा एनालाइज कर रहा था तो उसमें देखा काफी कंट्रीज ने अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाना चालू कर दिया है, कर्टल करना चालू कर दिया है और साथ में इंपोर्ट्स ओपन करने की कोशिश करे। जैसे चाइना ने भी शुक्रवार कहा कि हम कॉटन का इम्पोर्ट कोटा बढ़ा रहे हैं, वहीं काफी कंट्रीज है जो अपने एक्सपोर्ट्स पे कट ऑफ कर रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया ने भी कहा कि हम डोमेस्टिक के अंदर 30% पाम ऑयल का स्टॉक रखेंगे। तो ये सब चीज दर्शाता है कि रिसेशन का माहौल धीरे धीरे बनते जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे अगर यूएस ऐसा कोई स्टेप लेता है जहां से इंडिया काफी चीजें एक्सपोर्ट करती है यूएस में, तो कहीं ना कहीं ये यूएस के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएट ऐसा कुछ एक्शन आए, क्योंकि प्राइस वाइज भी हम लोग काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है एज ऑफ नाउ, तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अजय जी, आपको लगता है 17,000-18,000 रुपए का लेवल? देखिए, ग्वार का जो इतिहास रहा है वो काफी स्पेकुलेटिव रहा है, उन्होंने जो मोमेंटम बनता है तो भाव हमने देखा कुछ भी हो सकता है। बट करंटली मैं बोलूं अगर सप्लाई साइड और ये सब चीज को देखते हुए, तो मुझे लगता है 15,000-16,000 का लेवल एक जस्टिफाइड लेवल रहेगा, उसके बियॉन्ड एक स्पेकुलेटिव लेवल हो जाता है। तो आई थिंक 16,000 तक का लेवल पकड़ के चलिए। वहीं ग्वार सीट में मुझे लगता है कि 8-8.5 तक का प्रोजेक्शन दिखा सकता है, बट उसके बियॉन्ड एज ऑफ नाउ करंट फंडामेंटल पे बोलना थोड़ा मुश्किल है। लेट्स सी अगर प्राइसेस आगे फर्दर मूव करते हैं, मानसून कैसा है, सोइंग कैसी रहेगी, कोरोना का भी अभी कंसर्न हम देख रहे हैं कि चाइना में फिर से नंबर ऑफ केसेस बढ़ने चालू हो गए हैं, इसका भी इम्पैक्ट, क्योंकि पिछले साल हमने जो चूरी कोरमा में भी डिमांड देखा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी डिमांड देखा था, क्योंकि सेकेंड वेव के बाद सभी चीज ओपन अप हो रही थी। तो ये साल कोरोना गया नहीं है,
कोरोना का इम्पैक्ट फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि जनवरी फरवरी में हम ऐसे बेफिक्र हो गए थे जैसे कोरोना निकल ही गया, बाद में हमने सेकेंड वेव का हीट आते हुए देखा था। राइट थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए ये टाइम पे, बट अगले 2-3 महीने की बात करें तो डेफिनेटली 8,000 और करीबन 16,000 ये जो लेवल्स है हम देख सकते हैं गवार सीड और गवार कम में। जो इस समय जो सिनेरियो आपने बताया कि 8,000 और 16,000 रुपए का जो लेवल है वो 2 से 3 महीने के दरमियान में दिखाई दे सकता है, जहां तक बात इस समय पर इंटरनेशनल सिनेरियोज को लेकर के और डोमेस्टिक अगर हम सिनेरियोज की तरफ में बात करें, प्रोडक्शन की फिगर्स आप क्या देखते हैं और इस बार जो वेदर है, क्योंकि वेदर को लेकर के अभी से जो माहौल बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि वेदर इस बार भी लास्ट ईयर की तरह लगभग लगभग पूरा रहने वाला है, तकरीबन तकरीबन 97% से लेकर के और 102% तक की रेनफॉल इस सीजन के अंदर भी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर ग्वार के प्राइजेस आप क्या देखते हैं? देख, गवार में अभी तक का जो सबसे बड़ा काम रहा है वो स्टॉक का रहा है, कैरियर स्टॉक कैसा रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से हमेशा यही सुनने में मिला है कैरियर स्टॉक अच्छा है जिसकी वजह से भाव चल नहीं पा रहे, बट हमें लगता है कि 3-4 साल से जो प्रोडक्शन लॉसेस हुए हैं उसको कहीं ना कहीं गवार पोजिशन जो गवार की कैरियर स्टॉक है उसको कहीं ना कहीं ऑफसेट की है। नंबर्स पे मैं अभी इतनी जल्दी जाना नहीं चाहूंगा बिकॉज ऑलरेडी ये सब्जेक्टिव ऐसा रहा है कि कुछ 55 भी बोलते हैं, कुछ 35 भी बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी वो फैक्टर्स इन की है। अब नई चीज है जो मानसून का है, मुझे नहीं लगता है कि मानसून में कोई बड़ा खराबी, क्योंकि ज्यादा करके देखा जाता है कि लानिनो के बाद, लानिनो का मतलब है कि पानी ज्यादा पड़ना, और ज्यादा करके हम देखते हैं ग्राउंड लेवल में जब पानी ज्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं ठंड एक्सटेंड होकर आती। इस वक्त 14 मार्च है मुंबई में और आज भी हम ठंडी फील कर रहे हैं मॉर्निंग में, नो डाउट हीट वेव का अलर्ट दिया हुआ है अगले 2-3 सेशन के लिए, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका बारिश पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। एक थम रूल है कि 90 दिन की अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो इवैपोरेशन प्रोसेस नहीं होगा और बारिश उसकी वजह से कम हो सकता है। बट एक नई चीज हमने ये देखी गई है कि ऑस्ट्रेलियन वेदर का जो अपडेट आया था जनवरी 26 तारीख के करीब, वहां पे बताया गया है कि आईओडी जो है इस बार नॉर्मल में है, जिसका मतलब है एज ऑफ नाउ वी कैन प्रज्यूम कि मानसून भी इंडिया में भी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ज्यादा करके देखा जाता है कि अगर आईओडी टूवर्ड्स अफ्रीका है तो इंडिया में बारिश अच्छी होती है, आईओडी टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश अच्छी होती है, बट एज ऑफ नाउ जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसमें आईओडी नॉर्मल बताया जा रहा है, जिसका मतलब हम अज्यूम करके सकते हैं कि हम लोग नॉर्मल है। बट फ्रेंकली जो मैंने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं कि लानिनो कभी भी कंटिन्यूस 2 साल एक साथ ज्यादा करके देखे नहीं जाते हैं, और इस बार जिस ढंग से हमने बरसातों को एक्सटेंड होते हुए देखा है तो एक सिंपल लॉजिक यही बताता है कि ग्राउंड लेवल में पानी ज्यादा है और जब तक ये ठंड है एवोपरेशन प्रोसेस नहीं होता है, गर्मी 90 दिन की नहीं पड़ती है, तो अगले साल की जो बारिश है मतलब करंट ईयर की जो बारिश है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, बट दैट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ, लेट्स वेट फॉर आईएमडी टू कम एंड गिव द क्लियरिटी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो डिमांड है वो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट का सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है वो इंप्रूव होगा, लेकिन कमिंग बैक ऑन डोमेस्टिक साइड आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा, क्योंकि डिमांड में मेरे को नहीं लगता कोई कमी है। अगर मार्केट पूरा ओपन अप होता है तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों बनेगी, बट सोइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। इट्स वेरी अर्ली टू स्पेकुलेट राइट नाउ कि बारिश कैसी रहेगी और सोइंग कैसी रहेगी, क्योंकि अदर क्रॉप्स के जो भाव बने हुए हैं वो भी काफी अट्रेक्टिव है फार्मर्स के लिए, तो उनपे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर, और जो प्राइजेस हैं और जो तेजी का मोमेंटम है वो एक बार फिर से फार्मर्स कम्युनिटी को ग्वार की जो सोइंग है उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और अजय जी, सोइंग को लेकर के ऑलवेज ग्वार मार्केट के अंदर में एक मिथ जरूर रहता है, कोई कहता है कि जी 35 लाख का प्रोडक्शन, 55 लाख का प्रोडक्शन और 20 लाख बोरी का प्रोडक्शन, किसानों ने मुंह फेर लिया, क्योंकि जो सिनेरियो ग्वार को लेकर के शुरुआती दौर से देखने को मिला, अगर मैं 3-4 सालों के अगर डाटा या 3-4 सालों को अगर छोड़ दें जिस समय पर एक तेजी का माहौल बना था 2010 से लेकर के और 2013-14 तक का अगर सिनेरियो छोड़ दिया जाए, तो अमूमन जो फिगर्स निकल करके आती थी ग्वार को लेकर के वो करीब करीब 1 करोड़ बैग्स के आसपास की आती थी, और ये अज्यूम करके लिए चला जाया जाता था कि 1 करोड़ बैग के आसपास पे ऑलवेज हिंदुस्तान के अंदर में ग्वार की सोइंग होती है, ग्वार का प्रोडक्शन होता है, और इसके साथ में लगती हुई जो कंट्री है पाकिस्तान, वहां पर 25 लाख
बैग्स का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्या उस सिनेरियो के बाद में पिछले 4-5 सालों के अंदर में ऐसा सिनेरियो चेंज हुआ है कि प्रोडक्शन आधे से भी नीचे चला गया है? बिल्कुल, डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा है कि जो 2012-13 की तेजी के बाद कंटिन्यूस हमने धीरे 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 हमने देखा एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप हुआ है, फार्मर दूसरी क्रॉप पे भी है। लेकिन जो कैरियर स्टॉक की बात है, इससे आप समझिए जो सेल्फ लाइफ गवार की है वो काफी लंबी होती है, जिसके चलते आज तक कभी करेक्ट पिक्चर आई भी नहीं है मार्केट में आज तक कि गवार, क्योंकि काफी टाइम पे हमने देखा था जब बड़ी तेजी आई तो लोगों ने छत पे भी मिट्टी डाल डाल के गवार उगा दी थी। बिल्कुल, वो घरों में ही पड़ी है, बाहर आई है, उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो वो बहुत ही ज्यादा है। दूसरा एक चीज नहीं, ये भी देखी गई है कि यूएस के अंदर टेक्सास के अंदर भी गवार स्विंग हुई है पिछले 3 सालों में, जिस ढंग से भाव में तेजी आई है तो उधर भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखिए मटेरियल साइज नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है, पाकिस्तान भी उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं जो ऊंचे भाव है वो अट्रैक्शन देता है बाकी कंट्रीज को भी। तो अगर आप डेटा देखें, राइट नाउ मेरे सामने डेटा नहीं है, बट मैं लास्ट ईयर जब हम लोग कवर कर रहे थे गवार को, तब हमने यूएस के फिगर्स भी लिए थे, टेक्सास के अंदर काफी जगह पे स्विंग भी हुई है गवार की, वो कुछ हद तक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा ही वो डिपेंडेंसी खत्म कर दे ऐसा तो नहीं था, बट हमने बढ़ते हुए देखी। बट डोमेस्टिक साइड पर आई थिंक जो मैंने पहले भी कहा था और आपने भी वही फिगर बोले कि 35-55 का जो फिगर है वो हम देखते हैं, जब मार्केट में तेजी आनी होती है तो 35 के फिगर आने लग जाते हैं और जब मंदी आने होती है तो 55 के फिगर आ जाते हैं। तो आई थिंक वो एक अनसर्टेनिटी अभी भी बनी रहेगी, बट इन ऑल इस बार लग रहा है मेरे को कि गवार के एरिया फर्दर ड्रॉप हो सकता है, बिकॉज फार्मर के पास अदर क्रॉप्स के ऑप्शंस अच्छे हैं जिनमें प्राइजेस भी काफी बढ़ी हुई है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गवार नो डाउट मानसून से कोरिलेट भी करता है और साथ में हम देखते हैं कि ये ध्यान देने की वाली गवार ऐसी है कि गवार को डाल दो और छोड़ दो तो अपने आप ही वो निकल जाती है। तो आई थिंक ये काफी फैक्टर्स रहेंगे, बट इसकी क्लैरिटी हमें अप्रैल मिड और अप्रैल एंड में ही पता चलेगी। ग्वार ग्वार के रिस्क को किस तरीके से टेक केयर किया जा सकता है अजय जी, क्योंकि रिस्क इस समय पर काफी खासा है अगर हम देखें, और क्योंकि ठीक है इस समय पर जो सिनेरियो बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, उसकी वजह से एक तेजी एक मोमेंटम बना है, अगर वो ईज ऑफ होता है, अगर सारी चीजें सामान्य हो जाती हैं एक आध महीने के अंदर, हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन में ही हो जाएं, तो उसके बाद आप क्या सिनेरियो देखते हैं? क्या इस समय पर ग्वार, जब अनसर्टेनिटी इतनी हैवी है कि हो सकता है कि कभी भी युद्ध विराम भी हो जाए, तो उस युद्ध विराम का निश्चित तौर के ऊपर पे ग्वार के प्राइसेस के ऊपर भी फिर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा, और उस समय पर रिस्क को ट्रेडर कैसे कवर करे और क्या हेजिंग टूल यहाँ पे कारगर साबित होगा और उसको कैसे करना? देखिए आपका जो सवाल है उसको दो पार्ट में कर देता हूं मैं। पहला है, अगर युद्ध विराम होता है तो गवार पे क्या असर? सर गवार है वो रिसेशन प्रूफ कमोडिटी है, बिकॉज की लड़ाई जो हो रही है वो एनर्जी प्राइसेस को लेकर हो रही है, और कहीं ना कहीं यूएस को भी ये चीज समझ में आ गई है कि पहला चीज ये डिक्लेयर तो हो ही गया है कि हम रशिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, खुद का प्रोडक्शन बढ़ा दे। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे रशिया का कॉस्ट करीबन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि 20-22 डॉलर के आसपास, 28 डॉलर के आसपास का क्रूड प्रोडक्शन का कॉस्ट है, सऊदी के पास करीबन 8-10 डॉलर के आसपास बताया जाता है, यूएस के पास 56 है, चाइना के पास करीबन 64-65 के करीब है, तो आई थिंक ये एक गवार के लिए काफी बेहतरीन है, क्योंकि सेल प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे जैसे चाइना है रशिया कहीं कहीं पे और डेवलप होते हुए देखी है, तो ये क्रूड को नीचे लाना है, क्योंकि अगर ग्लोबल इकोनॉमी, क्रूड जो है वो दो धारी तलवार है, क्रूड में अगर तेजी आ रही है इसका मतलब हम बोलते हैं इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, और ज्यादा क्रूड पे भाव में तेजी आती है तो रिसेशन का माहौल बन जाता है। एग्जाम्पल है फरवरी 2008 में जब क्रूड को 148 डॉलर टच करते हुए देखा था, तो कहीं ना कहीं अभी ये कवायद लगी रहेगी कि हम क्रूड के प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दे कि एवरेज 70-75 डॉलर का जो सऊदी ने पहले बताया था कि 70-75 एक फिजेबल लाइन है जहां पे सबके लिए विन विन सिचुएशन है, तो उतना लाने के लिए प्रोडक्शन मार्केट में बढ़ाना पड़ेगा, और आई थिंक इसका सपोर्ट गवार को मिलेगा। तो अगर युद्ध विराम भी होता है तो आप समझ के चलिए कि एनर्जी की डिमांड पैंडेमिक के बाद वैसे ही 100 मिलियन बैरल क्रॉस कर चुकी है, तो यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट आ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध विराम होने के बाद भी गवार पे इसका कोई नेगेटिव असर पड़े। दूसरा कि ऐसी वॉलिटिलिटी से ट्रेडर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए वॉलिटिलिटी आपका अच्छा साथी है, आज जैसे चक्कू है, अगर चक्कू पे धार लगा है तो आप चौकन्ने हो और आपकी काम और फास्ट होगा,
लेकिन अगर चक्कू पे धार नहीं है तो आप कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं हाथ कटने का डर होता है। इसके लिए काफी अच्छे टूल्स है, काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज है, मैंने एक स्क्रीन भी शेयर की है अगर आप देख पाओ तो प्राइस जी वॉलेटिलिटी टीम हमने गवार में एक एनालिसिस किया था जिसके अंदर मालूम पड़ा हमें कि गवार के अंदर पिछले 2016 से अभी तक कितना मूवमेंट हुआ है। तो हमने देखा 55% ऑफ टाइम गवार 1% प्लस 1% माइनस के बीच में ट्रेड होता है और करीबन 18% ऑफ टाइम हम 2% से ज्यादा की तेजी मंदी देखते हैं। ऐसे टाइम पे जैसे कि ऑप्शंस लॉन्च हो चुके हैं एनसीडीएक्स पे, आप लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रैंगल, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो ऑप्शन पे कर सकते हैं। इंडेक्स भी अवेलेबल है, जैसे प्रीति जी ने भी बताया कि अगर आप फ्यूचर पे अपना पोजीशन है तो साथ में इंडेक्स पे भी हैच करके चल सकते हैं। सेकेंडली, जैसे वीकली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे व्यूवर्स ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए है, जैसे हम देखते हैं कि थर्सडे का निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है, ऐसा ही कुछ हम पोजीशन गवार के साथ भी बना सकते हैं। देखिए, गवार का कोरिलेशन क्रूड के साथ इंपॉर्टेंट है और क्रूड के अंदर रिग काउंट्स का एक डेटा आता है जो एवरी शुक्रवार को रात को आता है, जिसका इंपैक्ट सोमवार को पड़ेगा क्योंकि शनिवार रविवार हमारा मार्केट बंद होता है और हमारा मार्केट बंद होने के बाद ही शुक्रवार को ये रिग काउंट्स के डेटा आते हैं। इसके ऊपर भी हमने एक एनालाइज किया है 2021 से अभी तक, तो हमने पाया है कि 44% मार्केट एक रेंज में रहता है, बट 40% ऐसा होता है कि 2% की तेजी आती है सोमवार के सेशन में, 2% की तेजी या मंदी डेटा को देखते हुए। ऐसे टाइम पे भी हम ऑप्शन के जरिए काफी पोजीशंस बना सकते हैं। सपोज कि हमें लगता है कि रिग काउंट, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस रहता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल रहता है, या आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हैं इस चीज के लिए, तो वो आपको अच्छी जानकारी दे सकता है, या फ्री में डेटा investing.com पे भी अवेलेबल होता है और मैंने कई बार मार्केट टाइम्स पे भी देखा है कि ये चीज की अपडेट बताते रहते हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो अगर रिस्क काउंट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है गवार का कंजम्पशन बढ़ेगा और गवार में तेजी आएगी सोमवार के सेशन में, तो शुक्रवार को ही आप बुल स्प्रेड मार सकते हैं। बुल स्प्रेड का मतलब होता है कि एटीएम लेके ओटीएम बेचना। फॉर एग्जाम्पल, गवार का भाव इस वक्त 6250 का है, एग्जाम्पल है ये, तो आप 6250 का एक कॉल लेकर 6350 का एक कॉल बेच देते हैं, तो मिनिमम रिस्क के अंदर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के काम कर सकते हैं। देखिए, इंडेक्स, फ्यूचर, ऑप्शन, ये तीनों चीज आपको गवार में मिल जाती है और कॉस्ट वाइज भी हमने देखा काफी अच्छा है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छा है ऑप्शंस के अंदर। ये ऑप्शंस की चैन है जो एनसीडीएस के वेबसाइट पे मिल जाता है। हेजिंग के टूल पे भी हमारे पास जो वैल्यू चैन है, कॉर्पोरेट, स्टॉकिस्ट, फार्मर, एफपीओ और ट्रेडर, ये सब भी ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉर्पोरेट है, उनको लगता है कि गवार मुझे लोएस्ट लेवल पे मिलना चाहिए, कम से कम भाव में मुझे लेना चाहिए, तो ऑप्शन के जरिए पुट राइट करके भी वो अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अगर उनके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो गवार ऑप्शंस के अंदर पुट के द्वारा हेजिंग कर सकते हैं। स्टॉकिस्ट है, वो भी हेजिंग करके चल सकते हैं। फार्मर जो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे पूरे वैल्यू चेन के अंदर, लेट से गवार का भाव 6500 है, तो फार्मर को ये डर लगा रहता है, जैसे हमने मस्टर्ड के केस में देखा था कि जब सोइंग का पीरियड था, जब 8500 का भाव था और आज हम जानते हैं कि अराइवल पीरियड के टाइम पे गवार का भाव गिर चुका है, तो ऐसे टाइम पे भी ऑप्शन के जरिए फार्मर्स और एफपीओ अपना प्राइस फिक्स कर सकते हैं। और जो हमारे ट्रेडर भाई है उनके लिए, अगर आपका व्यू तेजी का है, मंदी का है, वॉलेटिलिटी का है या रेंज बाउंड का है, उसको भी आप ऑप्शन के जरिए प्लान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ऑप्शन सभी के लिए है, चाहे आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, चाहे आप हेजिंग कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है गवार के अंदर हमारे पास वॉलिटिलिटी भी है, इंफॉर्मेशन भी है, फंडामेंटल भी है, सभी के साथ गवार इस वक्त मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव पॉइंट पे है। हेजिंग करके भी चल सकते हैं और ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड बना के चला जा सकता है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया अजय जी, कि चाहे वो कॉरपोरेट्स हो, एक किसान है, फार्मर है, और एफपीओस अगर एक समूह है किसानों का, और वो किस तरीके से अपने आप को हेज करके और इन ऑप्शंस को यूज करके किस तरीके से बेनिफिट ले सकता है, और जो ट्रेडर है उसके लिए तो ये रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि हमने ग्वार के अंदर बहुत से ट्रेडर्स को नुकसान होते हुए देखा है, और अगर अभी भी वो इन टूल्स का उपयोग नहीं करते हैं, हेजिंग टूल का उपयोग नहीं करते हैं, तो शायद ये एक बार फिर से गलती दोहराने वाली बात होगी। अजय जी, लास्ट रिएक्शन आपका। ये मुझे लगता है
एक्सचेंज की ओर से, रेगुलेटर की ओर से जो जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, जो प्रोडक्ट लाइन होना चाहिए, वो सब हमारे पास है। इंफॉर्मेशन और डीप तक पहुंचे उसके लिए आप भी पूरी कोशिश करते रहते हैं। मैं देखता हूं काफी इनडेप्थ आपके चैनल पे अपडेट भी आता है, बट मुझे लगता है अभी भी जो हम लोग अपॉर्चुनिटीज की बातें करते हैं तो ज्यादा करके हम लोग उसको खाली ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। जैसे कि मैंने ऑप्शंस के अंदर कुछ स्ट्रेटेजीज बताई थी अभी, तो ये सब और एक्सप्लोर बाकी है क्योंकि इंडियन मार्केट ये सब चीजों में, और खास करके जब हम एग्री कमोडिटी की बात करते हैं तो आप देखिए इक्विटी के अंदर हमारे जो इन्वेस्टर है वो काफी हद तक हम बोल सकते हैं एजुकेटेड है, बट अगर हम जब कमोडिटी की बात करते हैं, खास करके गवा जीरा, ये ऐसी कमोडिटीज है जो मंडी वाले आदमी है, इनको लेमन लैंग्वेज में हमें एक एक करके जब समझाते हैं तब जाकर मुझे लगता है कि ये पेनिट्रेशन हो सकता है। अभी भी जैसे बोलते हैं दिल्ली काफी दूर है, बट इतनी भी दूर नहीं क्योंकि प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन सब हमारे पास धीरे धीरे आने लग गए। कोशिश है और कोशिश करते हैं, बट आई थिंक कि गवार में जिस ढंग से या बाकी प्रोडक्ट में भी एक्सचेंज और रेगुलेटर ने जो स्टेप्स लिए हैं कि आपके साथ इंडेक्स भी है, ऑप्शन भी है, फ्यूचर भी है, लिक्विडिटी भी, एलईएस भी काफी प्रोडक्ट्स पे आई है अभी, तो आई थिंक ये सही मौका है, इसमें हमें तैयार रहना चाहिए। और अगेन आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि मार्केट टाइम जितने एफर्ट्स लेता है ये सब कंज्यूमर को और इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करने के लिए, तो ये बिल्कुल एक हेल्पफुल है सभी ट्रेडर्स के लिए जो कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, थैंक यू। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।